आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। 22 दिसंबर तक चलने वाले संसद का शीतकालीन सत्र इस बार गर्म रह सकता है। आज सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश में राजनीतिक गर्मी तेजी से बढ़ रही है। 4 राज्यों के नतीजे आए हैं जो बहुत उत्साहवर्धक परिणाम है, जो देश के सामान्य लोगों के लिए कल्याण और देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, ठंड शायद विलंब से चल रही है और बहुत धीरी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवीय के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट आज हम संसद के इस नए मंदिर में मिल रहे हैं। इस संसद भवन के नए परिसर का उद्घाटन हुआ, तब तक छोटा सा सत्र था, ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। नया सदन है, छोटी मोटी अभी भी शायद व्यवस्थाओं में कुछ कमियां महसूस हो सकती हैं। जब लगातार काम चलेगा, संसदों और विजिटर्स को भी, मीडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय स्पीकर महोदय के नेतृत्व में उन चीजों की तरफ पूरी तरह निगरानी है। और आपसे भी मैं कहूंगा, कोई चीज ऐसी छोटी मोटी आपके ध्यान में आए तो जरूर आप ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि ये चीजें जब बनती हैं तो आवश्यकता के अनुसार बदलाव की भी जरूरत होती है।